नमस्कार कस्टमर वालों, आज तो ये सब कुछ अच्छा हुई, नहीं मन हुई, स्वस्थ हुई। आज है संडे और मैं जा रही हूँ सब्जी लाने। अभी बुधवार, उसके बाद आपको फुल डे का रूटीन दूंगी अपना, क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया और क्या क्या किया। तो मैं आ गई हूँ सब्जी यहाँ लेके। सब हरी हरी सब्जियाँ, गोभी, मटर, आलू, प्याज, नया वाला आलू और छोटी वाली आलू लाई हूँ, जो इतनी छोटी छोटी सी मिलती है ना, वो लेके आई हूँ। और उसके बाद दूध, ब्रेड, जो भी चाहिए वो सब लेके आई हूँ। अभी दूध हमारा रखा हुआ है। उसके बाद हमने नाश्ते में ले आई थी वहाँ से मेथी पत्ते की भजिया और गर्मा गर्म जलेबी। वो नहीं दिखा पाई क्योंकि हमने गाड़ी में खा लिया था सबने मिलके, तो उसको सूट नहीं कर पाई। और अभी ब्रेकफास्ट का टेंशन बिल्कुल ख़त्म हो गया। सोचा था आऊँगी तो कुछ बनाऊँगी, बट आज सब कुछ लेट हो गया। सब कुछ अभी तक मैंने नहाया भी नहीं है, तो आज सोचा भगवान जी को दूर से ही प्रणाम कर लिया और अब नहाओ कि एक ही बार सारा काम निपटा करके, मतलब कि सारा काम हो चुका है मेरा, जो भी क्लीनिंग का काम होता है, कपड़े का काम होता है, ऑलमोस्ट सब डन है। और अभी बज रहा है 10, तो नाश्ता भी हमारा बाहर का हो गया है, गरम गरम जलेबी और भजिया से तो उसको नहीं रोक सकता। अभी ठंड के दिन में खास करके, और सुबह जब मार्केट जाती हूँ ना, जहाँ पे मैं जाती हूँ स्पेशली, एक बार दिखाया है मैंने वहाँ पे ना, आपको तरह तरह का नाश्ता मिलेगा और डीप एंड बेस्ट मिलेगा एकदम गर्मा गर्म। कहीं तो ऐसे ऐसे भजिया तल रहे थे, ऐसे ऐसे तेल में से निकाल करके ना, वो मेथी की तो रहा नहीं गया। मुझे जाने तो आज नहीं नहाई, दूर से भगवान जी को प्रणाम करती हूँ। नहाने के बाद अगरबत्ती दिखा दूंगी आज, उस तरह से नहीं कर पाऊंगी जैसे करती हूँ, और ठीक है ना, भगवान ये भी समझते हैं। चलो चलेगा, इतना एक दिन तो चलता है। और कल मेरा व्रत है, मंडे ही करती हूँ, महीने में एक मंडे का व्रत शुक्ल पक्ष वाला करती हूँ, तो कल व्रत करूँगी, तो कल सब कवर अप कर लूँगी। तो आज अभी जा रही हूँ, शाम की प्लानिंग है गोलगप्पा बनाने की, तो अभी आटा गूंथ करके रख लूँगी और गोलगप्पे भी बना के रख लूँगी, क्योंकि मेन टाइम उसी में लगता है मेरा। और चूंकि मेरा भतीजा है ना, वो बहुत डिमांड कर रहा था गोलगप्पा, बुआ गोलगप्पा चाहिए, गोलगप्पा की रेसिपी दो। बोले चलो आज उसके लिए, शाम में आज संडे है तो कुछ ना कुछ चाहिए होता है स्पेशल, तो आज गोलगप्पे बनाती हूँ। और देन चिकन रखा हुआ है और एग, तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, दोनों बनाऊँगी, क्योंकि मैं तो चिकन खाती नहीं हूँ, तो मैं एग ही खाऊँगी और चिकन है तो बाकियों के लिए चिकन बनाऊँगी। सो चलते हैं गोलगप्पे की तैयारी करने। तो गोलगप्पे के डो के लिए मैंने ये 2 कटोरी सूजी ली है, ये महीन वाली सूजी है, बहुत लोग मोटी सूजी की बनाते हैं बट मैं इसी की बनाती हूँ। और ये 2 चम्मच मैदा है और नमक, इसमें कुछ भी मोइन में नहीं डालूंगी, इसको बस टाइट गूंथ लूंगी पानी की सहायता से, नॉर्मल पानी, और इसको आधे घंटे छोड़ दूंगी ताकि सूजी फूल जाए। देन उसके बाद बेल के, गोलगप्पे को पतले पतले बेल के इसको फिर रेस्ट दूंगी 10 मिनट का, ताकि वो सूख जाए। सूखने वाला प्रोसेस बहुत ज़रूरी है करना, ताकि मतलब लॉन्ग लास्टिंग हमारे गोलगप्पे टाइट बने रहे। तो अब इसको मैं गूंथ लेती हूँ, अच्छे से गूंथ लिया मैंने टाइट, और इसको छोड़ देती हूँ। और फिर आधे घंटे बाद देखूंगी, अगर इसमें ज़रूरत पड़ेगी तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको हल्का सॉफ्ट हो जाए, ताकि बेलने में आसानी हो, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है। तो इसको ढक देती हूँ। उसके बाद तब तक जा रही हूँ अपनी जो सब्जी लाई है मैंने, उसको धो करके काट करके इसको फ्रिज में रख देती हूँ। गोभी 40, 40 रुपये के जी, यानी 20 ही गोभी है, आपके यहाँ कैसे गोभी का भाव बताइएगा। देन ये मटर है 40 रुपये के जी, मटर 2 केजी मटर लाई हूँ, अच्छे वाले मटर है, मीठा मीठा दाना है, क्योंकि हमारे यहाँ तो बिहार में ऑथेंटिक है चूड़ा मटर, पूरे ठंड चूड़ा मटर बनेगा ही बनेगा। तो 2 किलो मटर मेरा लगभग 2 दिन ही चलता है, तो 2 किलो ही आती हूँ, ताकि ताज़ी ताज़ी आए, तो छिलने में भी उतना ये नहीं रहे और ताज़ी जाए, इसलिए 2 किलो ही लाती हूँ। ठंड में मेरे यहाँ चूड़ा और मटर दोनों का खर्च बहुत बढ़ जाता है, जो गर्मियों में नॉर्मल चूड़ा 1 केजी चलता है, पोहा, पोहा बोलते हैं ना, ठंड में लगभग 3 से 4 केजी पोहा लग जाता है, क्योंकि रोज मतलब ऑलमोस्ट नाश्ता तो वही होता है शाम का, नाश्ता ले लो खाना ले लो, चूड़ा फिर पेट में जाके फूलता है। धनिया पत्ता, देन गाजर, गाजर भी 40 रुपये के जी है, और टमाटर भी 40, 30 लेके आई 30, टमाटर अभी थोड़ा कम हुआ है,
देन ये छत्तीसगढ़ का स्पेशल फर वाला धनिया, इसका वीडियो मैंने दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। ये अब सीजन आ गया तो हमारी सब्जी भी बहुत अच्छी बनेगी, पकौड़े भी बहुत अच्छे बनेंगे, सब कुछ अच्छा बनेगा और ज़्यादा मसाले की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये इतनी टेस्टी लगती है कि जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ जब तक आप इसको खाएं नहीं। और मस्ट श्योर सबको कह रही हूँ कि कोई भी इसको नापसंद नहीं कर सकता है, जो भी धनिया प्रेमी है ना, और ये फ्रेश धनिया सीड्स है, इसको कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है जब तक ये मिलती है। अमेजिंग टेस्ट, अमेजिंग। देन मैं ये ना छोटी वाली आलू लेके आई हूँ, नए वाले आलू जो आते हैं ना वो लेके आई हूँ। इसको बेबी पोटैटो बोलते हैं ना, इंग्लिश में बेबी पोटैटो बोलते हैं, हमारे यहाँ छोटे वाले आलू नए आलू बोलते हैं, जिसकी भुजिया बनती है बिहार में खास करके, और मेथी पत्ता और सोया पत्ता डाल के बनती है भुजिया। तो एक्चुअली मैं इसको लेके आई हूँ ना, पिकनिक जा रही हूँ 18 को, हम लोग सारे फ्रेंड सर्कल जा रहे हैं 18 को, और वहाँ लेके चलूँगी जहाँ जा रही हूँ। तो मीडिया हम लोग क्या करते हैं ना, सब कॉन्ट्री कर देते हैं, जितने भी फ्रेंड्स रहते हैं सब कॉन्ट्री कर देते हैं और सब एक एक आइटम बना लेते हैं। एक्चुअली प्लान था हमारा वहीं जाके बनाने का, और वहीं जाके बनाने में भी हम लोग सारा कुछ बांट देते हैं इक्वली कि किसको क्या लाना है, वो क्या बना रहे हैं, जो आइटम वो बनाएगा वो लेके आएगा, इंक्लूडिंग तेल नमक सब कुछ वो अपना लेकर के आएगा। तो इस बार चूँकि हम लोग थोड़ा सा दूर जा रहे हैं यहाँ से, 100 किलोमीटर और थोड़ा हाइट पर, तो इस बार हमने सोचा कि घर से बना के लेके जाएंगे। और जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे छोटे छोटे जो होटल्स होते हैं ना वो भी हैं, तो वहाँ पे कुछ नाश्ता पानी चाय मिल जाएगा, तो उसका टेंशन नहीं। तो मेरा जो मुझे मिला है वो है पूड़ी, मतलब आधी पूड़ी एक जन बनाएंगे आधी मैं बनाऊंगी, और ये एक सूखी सब्जी बनानी थी, और एक जन बना रही है मटर पनीर। तो मुझे सूखी सब्जी, मैंने सोचा ये छोपे भी पोटेटो की का सूखा हुआ मेथी के साथ बनाऊंगी, आलू मेथी की सूखी बोले मुझे आप बोलो जो भी बोलो, ये बहुत अच्छी लगेगी साथ में, कुछ खूब मसालेदार चटपटी से बनाऊंगी, तो उसके लिए लेके आई हूँ। हालांकि जाना है हमें सैटरडे, 18 सैटरडे उस दिन जाना है, तो लेकिन ला के रखती हूँ कि मैं जाती नहीं रोज़ रोज़, हर संडे जाती हूँ। देन ये ब्रिंजल लेके आई हूँ, बैंगन टमाटर है और इसमें आलू है, ये बड़े वाले नए वाले आलू लेके आई हूँ, अभी कुछ कम हो गया है रेट, हालांकि दोनों एक वन ही है, मतलब ये बोल रही थी 40 रुपीज़ केजी, तो बट मैंने उसको फिर बार्गेन करके इसको 25 रुपीज़ केजी दिया, और मतलब लेडीज़ लोग अगर बार्गेन नहीं करोते किस काम का। फिर इसको मैं रखती हूँ, इसमें आलू है। उसके बाद मैं लेके आई हूँ एक अपनी फेवरेट चीज़, बहुत फेवरेट चीज़, पता नहीं आप लोग खाते हैं कि नहीं, बट मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, ख़ास करके ठंड के दिन में, ये वाली गांठ गोभी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, मैं अपने लिए ज़रूर बनाती हूँ, साथ में ये सारे पत्ते डाल के बनाती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसका कोई तोड़ नहीं है, कोई जवाब नहीं है, तो इसको मैं आज बनाऊंगी अपने लिए, साथ में अपने लिए बोला ना बाकियों के लिए चिकन बनाऊंगी, अपने लिए इसको बना रही हूँ अभी। और इसको मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, तो क्योंकि ये थोड़ी सी पकने में टाइम लगती है, तो प्रेशर कुकर में आसानी से बन जाती है, और बिल्कुल नॉर्मल हल्के से मसाले डाल के, अगर ज़्यादा मसाले डालूंगी तो फिर इसका जो एक्चुअल टेस्ट है वो निकल जाएगा। तो इसको बनाती हूँ, देन साथ में खुद के लिए ऑमलेट बनाऊंगी, ऑमलेट मुझे चाहिए होता है फ्रूट्स, संतरा और एप्पल। इस बार बनाना नहीं लेके आई, वो ना पिछले बार लेके आई थी ना बनाना, तो दो केले मेरे ख़राब निकल गए थे, वो अंदर से पूरे अजीब टाइप के थे। देन ये तो चाहिए होता है, पूरी ठंड चाहिए होता है, मतलब मुझे सालों भर मिले तो मेरा ओके है इसके साथ। तो ये तो लाती हूँ, बिल्कुल लाती हूँ, इसके बिना नहीं चलता है। देन मैं लेके आई हूँ ये लौकी, पसंद नहीं करते हैं सब लेकिन कभी कभी खाना चाहिए फॉर हेल्थ, लौकी लेके आती हूँ, और ये मेरा बहुत फेवरेट है, पता नहीं कितनों का फेवरेट है पर मेरा बहुत फेवरेट है करेला। जिस वे में दो भुजिया दो, सब्जी दो, भरवा दो, पकौड़े नहीं खाती क्योंकि बहुत ऑयली हो जाता है, बट मुझे बहुत पसंद है करेला, तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ करेला, केला, जो भी मुझे बहुत पसंद है। देन ये मेथी पत्ता की तो चाहिए, और देन क्या लेके आई हूँ, सब्जियाँ तो बहुत थी, बट क्या है कि नॉनवेज के चक्कर में ना अभी पिछले साल मंडे जो संडे जो सब्जी लेके आई उसमें से आधी पड़ी हुई है, अभी सेम पड़ा हुआ है मेरा, और क्या पड़ा, बंधा गोभी पड़ा हुआ है, इसलिए बंधा गोभी इस बार लेके नहीं, बड़ी सी बंधा गोभी पड़ी हुई मेरी, वो लेके नहीं आई हूँ। और देन अदरक, क्योंकि ये तो सब्जियों से ज़्यादा मेरी चाय में जाती है अदरक, सबको अदरक वाली चाय चाहिए, इसे कूट 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 के सब बनाते हैं, तो मैं क्या करती हूँ फिर चाय में निकाल के रख देती हूँ, वही सब्जी में यूज़ करती हूँ, वेस्टेज नहीं, कोई चीज़ का वेस्टेज नहीं। देन नींबू लेके आई हूँ, और हाँ एक चीज़ और लेके आई हूँ,
ये अपना गूजबेरी आंवला, अच्छे लगते हैं ना। मुरब्बा भी बनता है, मुरब्बा सबको बहुत पसंद है, बट पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। और इसको चटनी में डाल के खिलाती हूँ सबको, तो सब खा लेते हैं। अदरवाइज अगर मुरब्बा बनाऊंगी तो कोई नहीं खाएगा और उतना हेडेक कौन ले। सो इसको चटनी में डाल के मैं जितना दिन रुकेगी, ठंड में रोज़ चटनी जाती है, और साथ में अभी ये फर वाली धनिया आ गई ना, इसकी सीड्स डाल के, इसकी लीव्स डाल के, इसके फ्लावर्स डाल के मैं चटनी बनाऊंगी, साथ में इसको डालूंगी। और अभी ना मुझे एक्चुअली पत्ते वाले लहसुन नहीं मिले, तो वो ज़रूर लेके आती हूँ पत्ते वाले लहसुन, तो वो रहे तो बल्ले बल्ले, बट मिले नहीं कोई बात नहीं, जो है उसी से काम चलाती हूँ। देन अपनी शिमला मिर्च है, जो भी ठंड वाली सब्जी है वो सारी कुछ लेके आई हूँ। सारी कुछ तो नहीं कहेंगे, बट हाँ जो भी कॉमन सब्जी होती है ठंड वाली वो सब लेके आई हूँ। मिलते तो बहुत सारी कुछ है, अभी ठंड में वो बोरो बरबट्टी बोलते हैं, अभी बहुत अच्छी अच्छी पतली पतली मिल रही है, लेकिन मेरे यहाँ खाते नहीं है, तो मैं खुद के लिए कितना बनाऊँगी, तो इसलिए नहीं लेके आई, ऑल्टरनेट करके लाती हूँ। जैसे अभी ये संडे को मैं लेके आई ना ये करेला, तो फिर अगले संडे जाऊँगी तो केला या बरबट्टी लेके आऊँगी, क्योंकि वीक में एक दिन बना लेती हूँ खुद के लिए। और देन रात में तो अगर चूड़ा मटर चला, मटर है तो कुछ सब्जी का हेडेक नहीं है, कुछ नहीं तो आलू मटर बना लो, भी छोटे वाले आलू आ गए तो उसके बाद आलू मटर अच्छी लगेगी, नहीं है तो कुछ भी स्टफ पराठे बना लो, जैसे मूली के हैं, गोभी के हैं, तो उसके साथ टमाटर की चटनी चलती है, तो वो तो सबको पता है मेरे यहाँ टमाटर की चटनी एनी टाइम रहती है, मतलब एनी टाइम जब तक कच्चे आम नहीं आते तब तक, क्योंकि कच्चे आम के सीजन में फिर मैं आम की चटनी बनाती हूँ कच्चे गुड़ वाली, तो वो चलती है, जब तक वो रहती है तो वो चलती चलती है, तब टमाटर को कोई नहीं पूछता है, समय समय की बात है। तो अब इसको जा रही हूँ, सबको अरेंज कर देती हूँ, फिर गोलगप्पे बना लेती हूँ, फिर खाने में लगूँगी। तो सबसे पहले मैंने अपनी काट गोभी की सब्जी बनानी है, कुकर चढ़ा लिया है, उधर राइस भी धो के रखा है, अभी थोड़ी देर में उसको बनाऊंगी अलग से। देन सबसे पहले ये काट गोभी को काट लिया, इसके ऊपर जो कद्दू टाइप का ही छिलका होता है इसको उतार करके छोटे छोटे पीसेस काट लिए। बहुत लोग उसको ना जो छोटी होती है ना उसको फुल बनाते हैं, वो पंजाबी लोग ज़्यादा बनाते हैं, आइडिया नहीं मुझे। देन ये छोटी वाली जो आलू भी दिखाई थी उसमें से कुछ लिया, मटर है, ये काट गोभी में जो पत्ते रहते हैं वो पत्ते हैं, पूरे पत्ते मैंने काट लिए, बहुत सॉफ्ट वाले थे। और उसके लिए मसाले एकदम मैंने कुछ भी मसाले उधर वाले नहीं लिए हैं, ये एक प्याज है, टमाटर, ये जो फर वाला धनिया दिखाया, आपके पास फर वाला धनिया ना हो तो आप धनिया पत्ती ले लीजिए, वही सेम स्वाद आएगा। अदरक, ये तो चार कली लहसुन, क्योंकि मसाले बिल्कुल ज़्यादा नहीं, क्योंकि इसका एक अपना ऑथेंटिक टेस्ट होता है, ज़्यादा मसाले में वो दब जाएगा। और हरी मिर्च है, अगर आप चाहें तो जीरा ले सकते हैं, बट मैं कुछ भी नहीं ले रही हूँ, बिल्कुल सिंपल ढंग से बना रही हूँ, और ये राइस के साथ बहुत अच्छी लगती है। सबसे पहले इन दोनों डाल के तेल डाल दिया मैंने, एक चम्मच के अंदर से ज़्यादा तेल नहीं डाला, आप देख सकते हैं। मैं अपने ढंग से बना रही हूँ, आप बताइएगा आप कैसे बनाते हैं, मैं बिल्कुल सिंपल ढंग से बनाती हूँ। और पहले इनको भून लूँगी थोड़ा सा, देन ये जो भी जितनी जो भी हमारे मसाले ना इनको हल्का दरदरा, क्योंकि आपने मेरी वीडियो अगर देखी है तो उसमें देखा होगा कि मैं मसाले बिल्कुल पेस्ट नहीं बनाती हूँ, हमेशा दरदरा करती हूँ, तो दरदरा इसको पीसेंगे। और देन ये चटनी के लिए मैंने ये धनिया लिया, आंवला लिया है, और हरी मिर्च है, इसमें लहसुन है, और ये जो फर वाला धनिया ये कुछ धनिया है, तो इसके फर वाले धनिया का फ्लावर स्टेम जो भी है वो ले लेती हूँ, छोड़ती नहीं कुछ नहीं, क्योंकि बहुत हेल्दी होती है। इसकी चटनी बनाऊंगी, बिना पानी डाले हुई चटनी बनाऊंगी, और फिर उसमें नमक और नींबू ऊपर से ऐड कर दूँगी टू टेस्ट। तो अब इसको डाल दो, इसका थोड़ा रोक लें थोड़ा सा लाल होने तक भूने में, तब तक इसको कर लेती हूँ दरदरा तक, पीसना नहीं है बिल्कुल, फाइन पेस्ट नहीं बनाना है इसको, इसको कर लेती हूँ। देन ये कल मैंने बेसन के लड्डू बनाए थे, इसकी रेसिपी दी हुई है मैंने, बहुत यमी है, चने दाल से बनाया, एक बार याद भी कर लीजिएगा। ये चटनी हो गई मेरी, इसमें नमक डाल दिया मैंने टू टेस्ट, और ये मसाला देखिए कितना दरदरा सा किया, बिल्कुल फाइन पेस्ट नहीं किया, और ये हरा धनिया की वजह से ना बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, इसलिए इसमें कोई भी मसाले डालने की ज़रूरत नहीं, ना धनिया, ना जीरा, ना काली मिर्च, ना गर्म मसाला, कुछ नहीं, क्योंकि तो इसी से इसका टेस्ट इतना अच्छा आएगा ना कि फिर आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है। और ये मेरा हो गया है लगभग हल्का प्लस, आने लगा है आलू में, देख सकते हैं आप हल्का आलू तेल भी मिल गया। अब मैं इसमें
जो भी नॉर्मल जनरल मसाले होते हैं हल्दी मिर्च नमक वो डालूंगी, देन वो डाल के तो भूनूंगी। ज़्यादा देर भूनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फाइन पेस्ट नहीं है हमारे मसाले के, गदरा है, तो ये तुरंत हो जाएगा और धीमे आंच पे इसको भूनना है। तो अभी मैं इसमें डालती हूँ अपना जो नॉर्मल मसाले, नमक डाला टू टेस्ट। मुझे चूंकि थोड़ा नमक ज़्यादा अच्छा पसंद है और मैं सिर्फ अपने लिए बना रही हूँ इसलिए अपने अनुसार बनाऊँगी, थोड़ा तीखा थोड़ा चटपटा सा एकदम। और लाल मिर्च गई गई, देन ये इसमें हल्दी डालूंगी और देन इसमें मैं ये मसाले सारे डाल के, अगर आपको लगे कि हाँ पानी थोड़ा सा जाएगा तो पानी डाल सकते हैं, अदरवाइज इसमें टमाटर और प्याज का कभी था ना तो पानी की ज़रूरत नहीं है। और क्योंकि बिल्कुल भुननी है हल्के भुना तो मैं पानी नहीं डालती हूँ, इसको धीमे आंच पे ढक के इसको भूनूंगी। और इधर तब तक मेरा चावल ही बन रहा है, अब जा रही हूँ। इधर सारा कुछ फैला हुआ है गंदगी, सारा कुछ मेथी पत्ता साग वाग सब किया था ना तो सब फैला हुआ, उसको साफ़ करके हम मेरा वो जो गोलगप्पे वाला आटा है ना ये भी रेस्ट पे आ गया है, बहुत टाइट हो गया है। तो इसको अभी इसका मेन टास्क अभी बचा हुआ है मेरा, तो इसको बनाना है। और अभी एक काम और बचा है चिकन बनाने के लिए, मसाले पीसने हैं तभी ये लहसुन वहसुन इसको छिलना है, लहसुन अदरक तब सफाई करके तब मैं गोलगप्पे पर लगूँगी। लगभग सब्जी मेरी पूरी भून चुकी है, अब नीचे लगने लगा है तो क्योंकि मैंने तेल बहुत कम डाला था। अब ये सारे पत्ते और ये मटर सब ऐड कर दूंगी इसमें, के बाद फिर मैं पानी डाल के, बहुत ज़्यादा पानी नहीं क्योंकि पत्ता डाल दिया ना तो ये भी अपना पत्ता पानी छोड़ेगा, पत्ता भी अपना। ये हल्की लटपट ही अच्छी लगती है बिल्कुल अंदाज से, वैसे आप देख लीजिएगा आपको कितनी ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये मतलब क्या बोले इसको सेमी ग्रेवी रहती है ना, तब उस चावल के साथ भी चलेगी आपकी रोटी के साथ भी चलेगी, जिसके साथ खाओ अच्छी लगेगी। तो इससे इतना ही पानी डालना है जितने में ये अच्छे से डूब जाए, ज़्यादा डालेंगे तो फिर वो पानी पानी वाला टेस्ट आ जाएगा तो वो मज़ा बिल्कुल भी नहीं आएगा। अभी से देखिए कितनी कलरफुल लग रही है ये सब्जी और खाने में बहुत यम लगती है। तो अब इसको प्रेशर लगा देती हूँ, इसको एक सीटी तेज पे पकाऊंगी और देन 2 से 3 मिनट धीमे आंच पे इसको पकने दूंगी। चावल भी मेरा लगभग पक गया है, तो जाने इसका स्टार्च निकाल देती हूँ, इसमें प्रेशर लगा देती हूँ। आप मसाला भी मैंने पीस लिया है चिकन के लिए, बिल्कुल नॉर्मल से मसाले जो होते हैं वो पीसा है, जीरा अदरक लहसुन गरम मसाला वो सब एक साथ पीसा है, और प्याज के साथ जो नॉर्मल से चिकन होता है चिकन मसाला वो बनाऊंगी चावल के साथ, वही अच्छी लगेगी। ये गोलगप्पा का आटा थोड़ा टाइट था तो मैंने थोड़ा पानी डाल के हल्के हाथ से छीटा दे देकर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट किया ताकि बेलने में आसानी हो। अब मैं किसी सरफेस पे इसको बेलूंगी पतले पतले, और जितना पतला हो सके उतना बेलूंगी, और देन आपके पास जो भी कुकी कटर हो जो भी हो कटर उससे आप इसको गोलगप्पे के शेप में काट लीजिए, और फिर इसको 10 से 15 मिनट छोड़ दीजिए इसे खुले ताकि वो सूख जाए, सूखने पर क्या होता है वो काफ़ी क्रिस्पी हो जाएंगे गोलगप्पे, उसको जितना पतला हो सके। और ये मेरे पास एक ऐसे ढक्कन था उससे ये परफेक्ट गोलगप्पे के साइज़ की थी, तो देखिए इतना पतला बेला, और ऐसे ही करके करके सारे गोलगप्पे बना लूँगी इसको छोड़ दूँगी। ये बिल्कुल रेडी, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, नहीं बताते क्योंकि ये पत्ते का टेस्ट प्लस गांठ गोभी का टेस्ट और धनिया का टेस्ट ये मिलके इसको बहुत यमी बना दिया है। अब इसी प्रेशर कुकर में मैं चिकन बनाऊंगी। अभी हो रहे हैं लगभग 12 बज गया, 12:30 हो गया, तो जल्दी से चिकन बनानी क्योंकि बताया सबने सिर्फ भजिया और जलेबी खाया, अभी ज़्यादा जल्दी नहीं सबको भूख लग जाएगी इसलिए अब जल्दी से जा रही चिकन बनाने, बाकी सब कुछ हो चुका है, बस इसी प्रेशर कुकर में सब्जी बनाऊंगी और गोलगप्पा तब तक। फाइनली ये सारे गोलगप्पे मैंने बेल लिए अच्छे से और सूख भी गए हैं अच्छे से, और इनको 10 मिनट छोड़ा था मैंने, ऑयल चढ़ा दिया है, देन चिकन भी मेरा हो गया है एकदम देसी स्टाइल का जो बनता है। अब 1 बज गया लगभग, 1:10 हो रहा है, पहले मैं इसको फ्राई करके हटा लेती हूँ और उसके बाद फिर लंच करूँगी, अभी ऑमलेट बनाना है बस मुझे। सो सब्जी वब्जी को ठीक करने में ना काफ़ी टाइम लग जाता है, पूरा हीट होना चाहिए ऑयल तभी हमारे गोलगप्पे अच्छे बनेंगे, ठंडे तेल में डालेंगे तो फिर वो सारा तेल पी जाएंगे, और हीट होने पे इसको हम मीडियम फ्लेम कर देंगे, देन मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे। उसको चिक करने के लिए थोड़ा सा साइड में हम डाल के देख लेंगे ये ऊपर आ रहा है या नहीं, यस देखिए अच्छे से हो गया तेल, अब इसको मीडियम कर देते हैं हीट को और
तो पहले एक डाल के देखेंगे। यस, ये देखिए फूल गए अच्छे से और ये बहुत क्रिस्पी रहेंगे। शाम को बनाना है, अभी लगभग एक बज एक दस हो रहा है तो उसको मतलब ठंडे भी हो जाएंगे, फिर सॉरी बिल्कुल नहीं होंगे। अब ऐसे कर करके हम साइड में डालते जाएंगे अपना जितने एक बार में आए, और जो ना फूल उनको कोई इशू नहीं, बहुत नहीं भी फूलते हैं तो उसको आप काफ़ी चाटे से यूज़ कर सकते हैं। 10 में से 2 नहीं फूलते हैं, जैसे ये वाला नहीं फूला मेरा, बाकी तो फूल गए हैं तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। इस पापड़ी में आप आलू के साथ डाल के ऊपर से चटनी हमारी रहती है मसाले डाल के प्याज डाल के, उसको भी आप इंजॉय कर सकते हैं। उसको बना लेती हूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ शाम को आपसे। तो अब मैं जा रही हूँ खाना खाने। ये मेरा खाना है सिंपल सा एकदम, धनिया की चटनी, धनिया आंवला की चटनी, ऑमलेट और एक अंडे का ऑमलेट है, चावल और वो गांठ गोभी की सब्जी, हरी मिर्च का अचार और बल गोल गप्पे भी मेरे सारे हो गए हैं फ्राई और बिल्कुल क्रिस्पी क्रिस्पी से हुए हैं। ये देखिए और कुछ इधर साइड में है, कुछ पापड़ी निकले, इसकी पापड़ी चाट बना लूँगी, नो इशू। इसको चावल पर डाल देती हूँ, जा रही हूँ खाने, अब शाम को मिलती हूँ आपसे। टाटा बाय। शाम हो गई है, अब हमारा गोलगप्पे का टाइम हो रहा है। ये इमली के कुछ पल्प है, मतलब इसकी बचे हुए थे तो मैंने इसको पानी फुला दिया, देखना तो लगेगा नहीं, तो जितना यूज़ आएगा उतना लूँगी और अलग से, और फिर इसको पहले छान लूँगी, फिर इसमें सारे कुछ मिक्स कर लूँगी, जैसे भुना जीरा है, भुना धनिया, थोड़ी सी हरे धनिया की चटनी और नमक, काला नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा बूंदी। जैसे पानी हमारी रहती वैसे ही, तो बहुत खट्टी करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि बहुत खट्टी अच्छी नहीं लगती है। फिर तो इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसको छान लूँगी, क्लियर कर लूँगी एकदम। इसको छान लिया है मैंने अच्छे से, अब इसमें सारे मसाले मिक्स करूँगी, इसको पतला करूँगी सबसे पहले पानी डाल करके, जितना पानी चाहिए और जिस हिसाब से आपको गोलगप्पे हैं उतना। देन इसमें सारे मसाले, जीरा, धनिया, बूंदी सारा कुछ ऐड करूँगी, फिर हमारा और धनिया की चटनी मैंने जो सुबह पीसी हुई थी उसी में से डालूंगी। इसमें लहसुन भी मिक्स है तो काफ़ी अच्छा फ्लेवर आता है, और अलग से धनिया नहीं पीसा है मैंने। बहुत लोग पुदीने की पानी भी बनाते हैं, बट अभी पुदीना अवेलेबल नहीं है और पुदीना उतना पसंद भी नहीं है गोलगप्पे में पर्सनली। ऐसे तो बहुत लोग पुदीने की पानी पसंद आती है और आजकल तो बहुत तरह की पानी बनने लगी है, लेकिन जो ऑथेंटिक टेस्ट होता है वही अच्छा लगता है, और मैं अपना बता रही हूँ, बाकी तो चॉइस अपनी अपनी है, जिसको जैसा खाना है खाओ। ये देखिए जो सुबह चटनी बनाई थी ना, आंवला धनिया सबकी, वो डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं, 2 चम्मच डाला है, इससे टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। बहुत लोग गुड़ भी डालते हैं, चीनी भी डालते हैं, बट मैं नहीं डाल रही हूँ। अलग से मीठी इमली की जो पिचकू आती है ना, उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसकी मीठी चटनी कर लूँगी। ये धनिया जीरा भुना हुआ है घर का, वो डाल रही हूँ। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, और अब इसमें लाल मिर्च डाला, टू टेस्ट, ज़्यादा तीखा नहीं क्योंकि बहुत तीखा पसंद नहीं है किसी को भी। नमक वाइट नमक है ये, और फिर ब्लैक सॉल्ट भी डालूंगी इसमें। ये मैं वो जो ऑरिगेनो का डिब्बा आता है उसमें डाल के रखती हूँ नमक बना करके, बनाया हुआ नमक के घर का, और अब इसको मिक्स कर लूँगी। आप नमक टेस्ट कर लीजिएगा कितना चाहिए, कम ज़्यादा, क्योंकि थोड़ा सा तेज ही अच्छा लगता है गोलगप्पे के पानी में। कुछ भी ऐसे रोड साइड जो स्ट्रीट फूड होते हैं उसमें नमक थोड़ा सा तेज अच्छा लगता है। ये बूंदी है मेरी, कुछ ऑप्शनल है, नहीं है तो आपको मत डालिए, कोई इशू नहीं है। अभी आलू बॉयल हो गया मेरे, इसके लिए मैंने बॉयल चने लिए हैं, इसको बस आलू बना ऐसे उबाल लिया था, देखिए बॉयल हो गए हैं। ये प्याज के पत्ते हैं, हरा धनिया भी ले सकते हैं, प्याज है और जो नॉर्मल जो मैंने मसाले डाले ना पानी में वो है भुना जीरा और धनिया, घर में होता है मेरा, और फिर लाल मिर्च, बहुत ज़्यादा लाल मिर्च नहीं क्योंकि फिर हस्बैंड का खाना उनको पसंद नहीं बहुत ज़्यादा तीखा। फिर ये वाइट नमक, देन ब्लैक नमक, चाट मसाला भी डाल सकते हैं, लेकिन ब्लैक नगर में नमक में मैं मिला के रखती हूँ, काला नमक, वाइट नमक और चाट मसाला और ये जो भुना धनिया जीरा और लाल मिर्च का पाउडर बना के रखती हूँ अलग से। फिर ये सारा कुछ ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके बाद हम अपना गोलगप्पा इंजॉय करेंगे। Thank you.
अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।